हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दीपाली श्रेष्ठा और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने किचन में। आज मैं आपको बना के दिखाने वाली हूं होममेड कलाकंद, वो भी एकदम हलवा स्टाइल में। तो चलिए आइए देखते हैं। कलाकंद बनाने के लिए मैंने फुल क्रीम 1.5 लीटर दूध लोहे की कढ़ाई में बॉयल करने के लिए रख दिया है, क्योंकि हम एकदम हलवा स्टाइल में बना रहे हैं और आपने देखा होगा कि हलवाई लोग लोहे की कढ़ाई यूज़ करते हैं, इसीलिए मैंने भी लोहे की कढ़ाई यूज़ की है। और इसको एक बॉयल आने तक अच्छे से इस तरह से साइडों में से छुड़ाते हुए आपने इसे बॉयल करना है। जब तक दूध बॉयल होता है तब तक हम इसमें डलने वाली बाकी की सामग्री देख लेते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट ये मैंने लिए हैं, थोड़ा काजू, थोड़ा बादाम, थोड़ा पिस्ता और थोड़ा इलायची पाउडर, एक नींबू का रस, इसमें मैंने 3-4 चम्मच पानी मिलाया है, एक कटोरी चीनी। मीठा भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट भी टोटली ऑप्शन है। आपको अगर पसंद है तो डालिए, नहीं पसंद तो ना डालिए, इससे आपके कलाकंद के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए हमारे दूध में एक बॉयल आ चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल ऑफ करेंगे, सॉरी गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करेंगे और हम डालेंगे इसमें अपना नींबू का रस। याद रहे हमें नींबू का रस सारा एक साथ नहीं डालना है, 2-3 बार करके थोड़ा थोड़ा करके डालना है। डाल के इसे बीच बीच में चलाते रहिए। फिर थोड़ा डालिए चलाने के बाद। ये देखिए नींबू डालने से हमारा पनीर पनीर अलग हो गया है और पानी पानी एकदम अलग हो गया है। हमारा दूध एकदम फटके सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें से अपना एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकाल लेंगे।
निकाल के जो उसमें थोड़ा बहुत पानी है उसे हम इसी तरह सुखाएंगे। अब ये देखिए, जब इस तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा पानी रह जाएगा तब हम डालेंगे इसमें अपनी चीनी टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब जब हमारी चीनी इसमें घुलेगी तब ये थोड़ा सा पानी और इसमें से निकलेगा। जब चीनी डालने के बाद इस तरह से बबल बबल होने लग जाए तब हम इसमें डालेंगे चुटकी भर इलायची पाउडर। और जो हमारे ड्राई फ्रूट थे आधा हम रखेंगे इसे सजाने के लिए और आधा हम डाल देंगे। और 3 से 4 चम्मच देसी घी। जैसे कि डालने के बाद थोड़ा सा इसका पानी और रिड्यूस करेंगे, थोड़ा सा इसका पानी और सुखा लेंगे हम। इस तरह लगातार चलाते हुए हमें इसका पानी सुखाना है सारा। ये देखिए कितना दानेदार बना है। जब इसका पानी सूख जाए अच्छे से और इस तरह से हल्का हल्का रह जाए चाशनी टाइप का, तब हम अपनी गैस का फ्लेम करेंगे ऑफ। अब आप इसे जिस भी बर्तन में निकालेंगे उसे आप पहले से ग्रीस कर लीजिए। देखिए मैंने भी पहले से ग्रीस कर लिया है। ये देखिए इस ट्रे में निकाल के इसे बराबर से अच्छे से चारों तरफ फैलाना है। अच्छे से फैला के इसे अच्छे से दबा देना है। और जो हम हमारे बाकी के बचे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं वो हमने इसके ऊपर इस तरह से पूरी तरफ चारों तरफ फैला के लगा देंगे। ये देखिए ड्राई फ्रूट भी लगा के हमें अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके इसे दबा देना है ताकि ड्राई फ्रूट भी अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए और इसे हम पूरी तरह से ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे।
ये देखिए हमारी कलाकंद ठंडी होकर बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब हम इसमें अपने मन मुताबिक कट लगाएंगे। अगर आपको छोटा पसंद है तो छोटा कट लगाइए, बड़ा पसंद है तो बड़े बड़े पीसेस में कट लगाइए। ये देखिए हमारे कलाकंद में अब अच्छे से कट लग चुके हैं। अब मैं इसे आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे कलाकंद अब पीसेस में कट होके तैयार हैं। ये देखिए यकीन मानिए ये देखने में जितने यम्मी लग रहे हैं खाने में भी उतने ही यम्मी होंगे। और हमारे कलाकंद थोड़े से क्रीमी कलर के बने हैं क्योंकि मैंने इसमें रंग काट नहीं डाला है। हलवाई लोग इसमें रंग काट डालते हैं। अगर आपको एकदम वाइट चाहिए तो आप इसमें रंग काट डाल सकते हैं। जब हमने नींबू का रस इसमें डाला था उसके साथ साथ थोड़ा सा आप रंग काट भी डाल दीजिए। और आपको अगर रंग काट नहीं डालना है तो आप इसी तरह से बना सकते हैं, इसके टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको मेरी है होममेड हलवाई स्टाइल कलाकंद की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आप भी यह रेसिपी घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना अनुभव और अपना ढेर सारा प्यार मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।